चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर आलू बड़ियों की सब्जी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मटर, टमाटर, आलू बड़िया, हींग, सूखा धनिया, देगी मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मटर आलू बढ़िया। इसके लिए हमने प्रेशर कुकर जो है गैस पे रख दिया है, गैस हमारी ऑन है। हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, एक कड़छी हमने रिफाइंड ऑयल की डालनी है। अब जो है हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, हींग डालेंगे इसमें। हींग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। 1/3 स्पून हींग का, सूखा धनिया आधा चम्मच, आधा चम्मच हम डालेंगे अपनी देगी मिर्च। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी का, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, ये अपने स्वाद अनुसार। ये डाल के हम इसको हिला लेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे हमने कर लेना है। अब टमाटोज जो हैं हमने मिक्सी में करके रखे हुए हैं प्योरी बना के, ये हम डाल देंगे। प्योरी हमने बिल्कुल बारीक पिसी हुई अच्छे से टमाटर की प्योरी बनानी है। टमाटर हमने 7-8 टमाटर हमने ले लेने हैं। टमाटर इसके लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि हम प्याज उसमें नहीं यूज़ करेंगे। ये देखिए ये ऐसे हो गया है। ये आलू जो है हमने ऐसे काट कर रखे हैं, ये देखिए ये ऐसे काटे हुए हैं, ऐसे हमने काट लेने हैं। और मटर हमने इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से धो लेना है। धोकर हम इसको डाल देंगे अपने प्रेशर कुकर में। ये बहुत ही इजी होती है बनानी ये वड़ी है। ये वड़ियाँ हमको बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। ये हम इसमें डालेंगे, मीडियम मिर्च की वड़ी है, ज़्यादा हमने मिर्च वड़ी नहीं लेनी है। आप ऑप्शनल हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आधी से थोड़ी ज़्यादा हमने डाल दी है इसमें। इसको अब हम हिलाएंगे, ये देखिए टमाटोज इसमें खूब सारे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, सब्जी हमने अच्छे से हिला ली है। अगर आप ग्रेवी कम बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कम बना सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बनाऊंगी। कम से कम 2-2.5 गिलास हम पानी के डाल देंगे या अपने इच्छा के अनुसार आप डालिए। ये देखिए मैंने ऐसे बनाया है। इसको अब हम विसल लगवाएंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं, मटर भी। ये 8-10 इसको विसल लगेगी, कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे गैस पे। इसको अब हम विसल लगवाते हैं। तकरीबन हमारे 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम अपनी सब्जी देखेंगे, इसकी जो प्रेशर है हमने निकाल लिया हुआ है। ये हमारी सब्जी हो गई हुई है, ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको अब हम थोड़ा सा मैश करेंगे अंदर ही, थोड़े से इसके जो आलू हैं और मटर हैं इसको हम मैश कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ध्यान से हमने मैश करना है, हमने सारे नहीं मैश कर देने हैं, सिर्फ थोड़े से मैश करने हैं ताकि हमारी सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए ऐसे ही हमने रखना है इसको। अपना नमक स्वाद अनुसार हमने डालना है, आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कम चाहिए तो, अगर कम है आप और डाल सकते हैं। ये सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी जो है मटर आलू वड़ियों की सब्जी हमने सर्व करने के लिए बाउल में डाल दी है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है, हम इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये आप मेरी रेसिपी से बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।